हाय फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे रीनल फंक्शन टेस्ट। रीनल फंक्शन टेस्ट क्या होता है और रीनल फंक्शन टेस्ट के अंतर्गत कौन कौन सा टेस्ट आता है। देखिए, रीनल फंक्शन टेस्ट को मेनली दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन? पहला जो है टू द असेसमेंट ऑफ किडनी डिजीज, एंड दूसरा जो है टू द असेसमेंट ऑफ रीनल डिजीज। यानी कि किडनी के फंक्शन को देखने के लिए कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है एंड रीनल फंक्शन को देखने के लिए कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, किडनी डिजीज को एसेस करने के, किडनी डिजीज को देखने के लिए कुछ सीरम पैरामीटर टेस्ट करते हैं, जो है यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम। ये जो है सीरम पैरामीटर टेस्ट होता है जो कि हम लोग किडनी के फंक्शन को देखने के लिए करते हैं। अब देखते हैं कि यूरिया का नॉर्मल रेंज क्या होता है। देखिए, यूरिया का नॉर्मल रेंज होता है 15 से 45 mg पर डेसीलीटर। उसके बाद से क्रिएटिनिन जो होता है, क्रिएटिनिन का नॉर्मल रेंज कितना होता है, 0.7 to 1.4 mg/dL। उसके बाद से सोडियम का नॉर्मल रेंज कितना होता है, सोडियम का नॉर्मल रेंज होता है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर ml। उसके बाद से पोटासियम का नॉर्मल रेंज कितना होता है, 3.5 to 5.5 mg/dL पर ml। देखिए, टू द असेसमेंट ऑफ किडनी डिजीज, यानी किडनी डिजीज या किडनी फंक्शन को देखने के लिए कुछ सीरम पैरामीटर्स हम लोग टेस्ट करते हैं, जो है यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, जिसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, यूरिया का नॉर्मल रेंज होता है 15 से 45 mg/dL। उसके बाद से क्रिएटिनिन का होता है 0.7 से 1.4 mg/dL। उसके बाद से सोडियम करते हैं, जो कि सोडियम का नॉर्मल रेंज कितना होता है, 135 से 145 mg/dL। उसके बाद से पोटेशियम का नॉर्मल रेंज कितना होता है, 3.5 to 5.5। ये जो है सीरम पैरामीटर्स के अंतर्गत आता है किडनी डिजीज में। एंड दूसरा जो पैरामीटर्स होता है वह होता है यूरिन एनालिसिस। क्या करते हैं, किडनी डिजीज को देखने के लिए एक यूरिन का सैंपल लेते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, यूरिन एनालिसिस करते हैं। देखिए, अब यूरिन एनालिसिस के अंतर्गत कौन कौन सा थे? देखिए, यूरिन एनालिसिस के अंतर्गत जनरली फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन देखा जाता है। देखिए, फिजिकल एग्जामिनेशन में जनरली देखा जाता है कलर यूरिन का, और दूसरा जो है वह यूरिन का क्लियरिटी देखा जाता है, और तीसरा जो है वह सेडिमेंट देखा जाता है। और केमिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत हम लोग देखते हैं ग्लूकोज, देखते हैं अल्बुमिन, देखते हैं हिडन ब्लड यानी कि ओकल्ट ब्लड देखते हैं, उसके बाद से बाइल साल्ट देखते हैं, बाइल पिगमेंट देखते हैं, यूरिनोबिलिनोजन देखते हैं और कीटोन बॉडी देखते हैं। देखिए, ये जितने भी टेस्ट है, ग्लूकोज, अल्बुमिन, ब्लड, हिडन ब्लड, उसके बाद से बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, यूरिनोबिलिनोजन और कीटोन बॉडी, इसको करने का मेथड क्या होता है? देखिए, जनरली यूरिन में करने के ग्लूकोज करने का मेथड होता है बेंडिक्स मेथड से हम लोग करते हैं। बेंडिक्स मेथड से हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज करते हैं। देखिए, अल्बुमिन को करने के लिए कौन सा मेथड होता है, हीट एंड एसिड मेथड। ब्लड को करने के लिए बेंजीडीन टेस्ट होता है। उसके बाद से बाइल साल्ट को करने के लिए कौन सा मेथड होता है, हेज मेथड से हम लोग करते हैं क्या, बाइल साल्ट इन यूरिन, यानी यूरिन में बाइल साल्ट हेज मेथड से करते हैं। उसके बाद से बाइल पिगमेंट को करने के लिए कौन सा मेथड होता है, फुचेस मेथड होता है। उसके बाद से यूरिनोबिलिनोजन करने के लिए हिर्च मेथड होता है। उसके बाद से कीटोन बॉडी को करने के लिए कौन सा मेथड होता है, रोथराज टेस्ट होता है। देखिए, जनरली हम लोग को यह टेस्ट याद रखना चाहिए कि कौन सा केमिकल एग्जामिनेशन में कौन सा टेस्ट किस में, क्योंकि जनरली कहीं भी हम लोग इंटरव्यू में अगर जाते हैं तो वहां पे यह पूछा जाता है कि यूरिन में ग्लूकोज किस मेथड से करते हैं, अल्बुमिन किस मेथड से करते हैं, बाइल साल्ट किस मेथड से करते हैं, बाइल पिगमेंट, यूरिनोबिलिनोजेन, कीटोन बॉडी किस मेथड से करते हैं। इसलिए हम लोग को मेथड आसानी से याद होना चाहिए। सभी को बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि यूरिन में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को कैसे हम लोग बेंडिक्स टेस्ट मेथड से कैसे करते हैं, उसको
रेटिकल के साथ हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद से अल्बुमिन को देखेंगे कि अल्बुमिन कैसे किया जाता है, ब्लड कैसे किया जाता है, यानी कि हिडन ब्लड कैसे किया जाता है, ओकल्ट ब्लड या हिडन ब्लड दोनों एक ही होता है। उसके बाद से बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, सबको बारी बारी से एक एक क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे किया जाता है। आज हम लोग देख रहे हैं कि रीनल फंक्शन टेस्ट के अंतर्गत जो किडनी पैरामीटर्स होता है, जो किडनी के फंक्शन को देखने के लिए जो पैरामीटर्स होता है वो कौन कौन, यही देखा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो रीनल फंक्शन टेस्ट है, रीनल फंक्शन टेस्ट में जो दूसरा पार्ट है जो कि टू द असेसमेंट ऑफ द रीनल डिजीज, यानी रीनल डिजीज को देखने के लिए, यानी रीनल फंक्शन को देखने के लिए कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है। देखिए रीनल फंक्शन में सबसे पहले क्या आता है, रीनल फंक्शन में सबसे पहले आता है गोलमेरुलर फंक्शन, यानी कि यह जो गोलमेरुलस है या जो गोलमेरुलस है इसके फंक्शन को देखने के लिए कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है। देखिए जो रीनल फंक्शन में जो पहला है वह है ग्लोमेरुलर फंक्शन, देखिए ग्लोमेरुलर फंक्शन को देखने के लिए क्लियरेंस टेस्ट किया जाता है, क्लियरेंस, जो क्लियरेंस टेस्ट का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है 82/128 ml/min। देखिए जो क्लियरेंस टेस्ट होता है वह ग्लोमेरुलर फंक्शन को देखने के लिए किया जाता है, जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस होता है, जो क्रिएटिनिन का क्लियरेंस जो टेस्ट होता है वह कैलकुलेटेड वैल्यू होता है, ठीक है। उसका नॉर्मल रेंज क्या होता है 88 to 128 ml/min। देखिए अब जो दूसरा टेस्ट होता है, दूसरा क्या करते हैं ग्लोमेरुलर परमेबिलिटी टेस्ट होता है, देखिए जो टेस्ट है वो ग्लोमेरुलर परमेबिलिटी, ग्लोमेरुलस के परमेबिलिटी को देखने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है यूरिन अल्बुमिन, यूरिन अल्बुमिन किया जाता है ग्लोमेरुलस के परमेबिलिटी को देखने के लिए। अब जो है रीनल फंक्शन में, रीनल फंक्शन का जो तीसरा टेस्ट है वह क्या है, क्या होता है रीनल फंक्शन में तीसरा टेस्ट जो होता है वह ट्यूबुलर फंक्शन होता है, ट्यूबुलर फंक्शन, यानी ट्यूब्यूल्स के फंक्शंस को देखने के लिए क्या किया जाता है। देखिए ट्यूब्यूल्स को फंक्शन को देखने के लिए यूरिन में स्पेसिफिक ग्रेविटी किया जाता है, ट्यूब्यूल्स के फंक्शन को देखने के लिए यूरिन में क्या किया जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी किया जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का नॉर्मल रेंज क्या होता है, देखिए जनरली यूरिन में स्पेसिफिक ग्रेविटी का नॉर्मल रेंज होता है 1.0102 1.030, यह क्या होता है यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी का नॉर्मल होता है। उसके बाद से देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी करने के लिए कौन सा मेथड होता है, यूरिन में स्पेसिफिक ग्रेविटी करने के लिए जनरली दो मेथड होता है, कौन कौन सा होता है, पहला जो होता है वह कंसंट्रेशन मेथड होता है, कंसंट्रेशन मेथड होता है, जबकि दूसरा जो मेथड होता है वह डाइल्यूशन मेथड होता है, डाइल्यूशन मेथड। देखिए कंसंट्रेशन मेथड से करने के लिए हमें 24 आवर यूरिन की जरूरत पड़ता है, जबकि डाइल्यूशन मेथड करने के लिए रेंडम यूरिन की जरूरत होता है। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। जनरली यूरिन फॉर्मेशन को दो स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, देखिए यूरिन फॉर्मेशन कितने स्टेप्स में होता है, दो स्टेप्स में, कौन कौन से, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। देखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है और ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन क्या होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जब नेफ्रॉन में कैपिलरी लेवल पर जब फिल्ट्रेशन हो रहा होता है तब क्या होता है कि जो ब्लड का जो कंपोनेंट होता है वह सभी कंपोनेंट क्या होता है इस जो ग्लोमेरुलस होता है इस ग्लोमेरुलस से क्या होता है छन जाता है, यानी कि फिल्टर हो जाता है, एक्सेप्ट यानी कि ऑल कंपोनेंट्स आर फिल्टर, क्या होता है कि जितने भी ब्लड के कंपोनेंट्स है सभी के सभी क्या हो जाते हैं फिल्टर हो जाता है, एक्सेप्ट कौन कौन से, ब्लड सेल और प्रोटीन, यानी कि ब्लड सेल और जो प्रोटीन होता है वह जो ग्लोमेरुलस होता है ग्लोमेरुलस से फिल्टर नहीं होता है, बाकी सभी चीज क्या हो जाता है फिल्टर हो जाता है। फिर दूसरा स्टेप्स होता है ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन में क्या होता है हमारे शरीर में जो भी यूजफुल सब्सटेंस है उसका क्या हो जाता है रीअब्सॉर्प्शन प्रोसेस होता है, यानी कि वह फिर से क्या हो जाता है ट्यूब्यूल्स से फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाता है। वह कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होता है जो यूजफुल सब्सटेंस है, जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट, यह क्या हो जाता है फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे
फंक्शन ऑफ किडनी, यानी किडनी का फंक्शन क्या होता है। देखिए किडनी का फंक्शन क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ द एसिड बेस बैलेंस, यानी कि एसिड बेस बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन करता है क्या, किडनी। दूसरा फंक्शन होता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। और तीसरा फंक्शन क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ द वाटर बैलेंस, यानी वाटर के बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। उसके बाद से चौथा जो है वह इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन करता है। उसके बाद और जो पांचवा है वह क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट। जो किडनी होता है वह क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, और क्या करता है वह वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, एक्सक्रीट आउट करता है। उसके बाद से जो छठा है वह क्या है, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, क्या है, विटामिन डी का सिंथेसिस करता है हमारे शरीर में। जो किडनी होता है वह विटामिन डी का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद से क्या है, सिंथेसिस ऑफ इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन क्या है, इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जिसका सिंथेसिस, जिसका फॉर्मेशन क्या करता है, किडनी करता है। वह इरिथ्रोपोइटिन हेल्प करता है इरिथ्रोपोइसिस में, यानी कि ब्लड के फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। इसीलिए क्या होता है, जो किडनी के जो पेशेंट होता है, जिसके किडनी खराब होता है, उसके शरीर में ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसके वजह से क्या होता है, उसके हेमोग्लोबिन हमेशा लो रहता है। उसके बाद से देखते हैं हम लोग क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि जो हम लोग रीनल फंक्शन टेस्ट में किडनी डिजीज को देखने के लिए जो सीरम पैरामीटर्स का जो टेस्ट किए थे, जिसमें यूरिया, क्रिएटिनिन और सोडियम पोटेशियम किए थे, उसका हम लोग अभी देखते हैं कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। देखिए क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, यूरिया का इंक्रीज होने का कारण क्या हो सकता है। देखिए यूरिया को इंक्रीज होने का कारण हो सकता है, प्री रीनल कंडीशन में इंक्रीज हो सकता है, रीनल कंडीशन में भी इंक्रीज हो सकता है, और पोस्ट रीनल कंडीशन में भी इंक्रीज हो सकता है, क्या, यूरिया। देखिए अब प्री रीनल क्या होता है, प्री रीनल वैसा कंडीशन जिसमें कि रीनल डिजीज नहीं है, रीनल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हमारे शरीर में या फिर भी किसी भी पेशेंट के शरीर में यूरिया इंक्रीज हो सकता है, वह कंडीशन क्या हो सकता है, वह कंडीशन हो सकता है डायरिया। डायरिया के कंडीशन में क्या हो सकता है कि यूरिया इंक्रीज कर जाएगा, जबकि उसके किडनी फंक्शन और रीनल फंक्शन दोनों सही है, फिर भी क्या होगा, यूरिया इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद से है वोमिटिंग। वोमिटिंग जब होगा किसी भी पेशेंट में, अगर बार-बार वोमिटिंग हो रहा है, तो उसमें भी यूरिया इंक्रीज होने का चांस बनता है। उसके बाद से है बर्न एंड सीवियर इंफेक्शन। बर्न्स एंड सीवियर इंफेक्शंस में भी क्या होता है, यूरिया इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद से है रीनल कंडीशन। रीनल कंडीशन वह कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है, किडनी में डिजीज होता है, यानी कि जब हमारा किडनी फेल्योर होता है या किडनी खराब हो जाता है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग, रीनल कंडीशन का। देखिए रीनल में वह कौन सा कंडीशन हो सकता है जिसमें यूरिया बढ़ सकता है, यूरिया बढ़ने का कारण होता है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, यानी कि जब ग्लोमेरुलस में नेफ्राइटिस हो जाता है, जब सीवियर इंफेक्शन हो जाता है, तब क्या हो सकता है, यूरिया बढ़ने का चांस बनता है। उसके बाद है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स में भी क्या होता है, यूरिया इंक्रीज कर जाता है। उसके बाद से फाइलोनेफ्राइटिस। फाइलोनेफ्राइटिस में भी यूरिया इंक्रीज कर जाता है। फाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है, फाइलोनेफ्राइटिस यानी कि नेफ्रॉन में पस का फॉर्मेशन होने लगना, वही क्या होता है, पाइलोनेफ्राइटिस। उसके बाद से होता है एक्यूट रीनल फेल्योर, यानी कि जब रीनल एक्यूट फेल्योर हो जाता है, तब क्या होता है, उसमें यूरिया बढ़ने का कारण, यानी कि बढ़ने का चांस होता है। उसके बाद से होता है क्रोनिक रीनल फेल्योर, यानी कि बहुत दिन से किसी भी पेशेंट के रीनल फेल्योर है, किसी भी पेशेंट को बहुत दिनों से रीनल प्रॉब्लम है, तब भी उसमें यूरिया इंक्रीज रहेगा। उसके बाद से होता है पोस्ट रीनल। पोस्ट रीनल में क्या 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 कंडीशन हो सकता है यूरिया के बढ़ने का। देखिए पोस्ट रीनल होता है जिसमें कि क्या हो सकता है कि ट्यूमर हो जाए, उसके बाद से स्ट्रिक्चर, स्टोन और ट्यूबरक्लोसिस। इस कंडीशन में क्या हो सकता है, किडनी में अगर ट्यूमर हो रहा है, स्ट्रिक्चर आ रहा है नेफ्रॉन में, उसके बाद से अगर नेफ्रॉन में स्टोन है, किडनी में स्टोन है या ट्यूबरक्लोसिस हो जाए, उस कंडीशन में क्या हो सकता है, यूरिया इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद से देखते हैं क्रिएटिनिन का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, बढ़ने का, यानी क्रिएटिनिन बढ़ने का कारण क्या हो सकता है। देखिए क्रिएटिनिन बढ़ने का कारण हो सकता है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स होता हो सकता है, उसके बाद से फाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, उसके बाद से स्टोन हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है और ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, क्रिएटिनिन भी इंक्रीज कर जाता है। जैसे ही किसी भी पेशेंट के ब्लड में क्रिएटिनिन इंक्रीज करता है, तब क्या करता है, वह आरबीसी को लाइसिस करता है, यानी कि आरबीसी को तोड़ता है, जिसके कारण से क्या होता है, किसी भी पेशेंट में जो किडनी के पेशेंट होते हैं, उसमें हेमोग्लोबिन हमेशा कम रहता है, क्योंकि जब क्रिएटिनिन लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, आरबीसी का लाइसिस होगा और वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन शो होगा, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ होना, स्वेलिंग हो जाना, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन शो होता है। तो आज के क्लास में हम लोग ने देखा कि
रीनल फंक्शन टेस्ट क्या होता है और रीनल फंक्शन टेस्ट के अंतर्गत कौन कौन सा टेस्ट आता है और उसको क्यों किया जाता है और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है और किडनी का फंक्शन क्या हो सकता है और यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है किडनी से। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।